हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल में आई टेक फॉर यू। आज मैं आपको पेटीएम का जो आपके पास कार्ड आता है वो आप कैसे पा सकते हैं और किस तरीके से पा सकते हैं वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको पेटीएम की कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए हो पेटीएम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पेटीएम मैं पूरा हटा देता हूँ, एक सेकेंड। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पेटीएम अपडेट कर ले पहले। ठीक है, पेटीएम अपडेट जैसे ही कर लेंगे, आपने अगर एक केवाईसी करा होगा तो आपको इस बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए ये मेरा वो दिख रहा है आपको सामने। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आपको पेटीएम जैसे आप अपडेट कर लेंगे, नीचे आपको ये ऑप्शन आने लगेगा, डेबिट एंड एटीएम कार्ड न्यू। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब ये आ जाए तो आपके सामने ये आ जाएगा, रिक्वेस्ट कार्ड। तो मैं सबसे पहले आपसे कह रहा हूँ कि पेटीएम अपडेट कर लीजिएगा, वरना फिर आपको ये नहीं दिखेगा। फिर मैं इस पर क्लिक करके बाद इसका पूरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। आपके सामने ऐसा होगा, आप अपना पूरा एड्रेस ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने एड्रेस पहले से डाल कर रखा है। और उसके बाद आपको ये प्रोसीड टू पे 120, जी ये लोग जो घर भेज रहे हैं उस पर ये लोग चार्ज ले रहे हैं 120 रुपीज़। तो अगर आप चार्ज दे पाएँ तो आप मंगा सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये देखिए, प्रोसीड टू पे 120 पे मैंने क्लिक करा है। तो चलिए मैं पासकोड डाल देता हूँ। ये देखिए मेरा पेमेंट हो गया है। डेबिट एंड एटीएम कार्ड ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल, 120 रुपीज़ कार्ड ले गए मेरे बैंक से। ठीक है, चलिए मैं आपको वहाँ जाके दिखा देता हूँ पासबुक में जाके। देखिए पासबुक में आप लोग जाइए और ये देखिए पासबुक मेरे पास अब केवल 106 रुपीज़ बचे हैं, केवल 106 रुपीज़ बचे हैं। इससे 110 कटा है और मेरे वॉलेट से 10 रुपीज़ कट गया है। ये 10 रुपीज़ मेरे वॉलेट से कट गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे यही बताना था कि आपको कैसे पेटीएम कार्ड आप अपने घर पे पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।